क्या बात है अम्मी, बहुत खुशबुएं बिखेरी जा रही है, क्या खास बनाया है? अरे आज दुल्हन ने तुम्हारे पसंद की बिरयानी बनाई है, और वो भी उसके अम्मी के स्टाइल में। वाह शब्बो, थैंक्स। दीजिए दीजिए। शुक्रिया, आप भी खाइए। अम्मी आप लीजिए। हमें भी दीजिए, अब सबर नहीं हो रहा। हाँ जी लीजिए। बहू अम्मी को भी दो। अरे नहीं नहीं, हम बाद में खाएंगे, आप शुरू कीजिए। हाँ हाँ बेटा शुरू कर, बिस्मिल्लाह कर। क्या किया तुमने? पूरा मिर्ची का डब्बा उड़ेल दिया क्या इसका? मैंने तो बिरयानी ठीक से पकाई थी, लेकिन वहां पर अब अभी बनाती हूँ। बिरयानी खाओ, सलमा की स्टाइल में खिलाएगी, देखती हूँ कैसे खाओ। कोई बात नहीं दुल्हन, ऐसा होता है कभी कभी, पर जिस वक्त काम में ध्यान कम और फोन में ज्यादा हो तो समझे। एक काम करो बेगम, बाहर से कुछ अच्छा ऑर्डर करो, जल्दी जल्दी करो। अरे नहीं, बाहर से ऑर्डर करने की क्या जरूरत है, हम आपके लिए कुछ बना देते हैं ना, और वैसे भी बाहर के खाने से सेहत और बिगड़ जाएगी ना। हम अभी आए। इस घर में किसी की मनमानी नहीं चलेगी। तुम लोगों ने सोच कैसे लिया कि बच्चे को गोद लिया जाए? अरे खानदान की इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं है? अबू इसमें खानदान की इज्जत की बात कहाँ से आ गई? पता नहीं इस चुड़ैल ने ऐसा क्या जादू कर दिया मेरी औलाद पर कि इसे अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल ही नहीं रहा। बेटा, मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा होता है कभी कभी। तेरा निकाह असलम फूफा के नवासी के साथ करूंगी, बस इस चुड़ैल को तलाक दे दे। क्यों? ये क्यों देंगे हमें तलाक? हमारा भी बराबरी का ही हक है, और अगर ऐसी ही बात है ना तो हम भी इनसे खुला ले सकते हैं। और कमी हमारे अंदर नहीं है, कमी आपके बेटे में, आपके बेटे में। बेगम, क्या बेहुदा मजाक है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने की? चल निकल यहां से। बस अम्मी, शब्बो सही कह रही है, कमी उसके अंदर नहीं, कमी उसके अंदर नहीं, कमी मुझ में है, कमी मुझ में है। और इतने वक्त से ये मेरे लिए सब कुछ सहते आई है। आपके ताने, मोहल्ले वालों के ताने, सबके ताने, इस घर में एक पल का सुकून नहीं है। रोज रोज आपकी नोक झोक, तू तू मैमे से मैं परेशान हो चुका हूं, सर फटता है मेरा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम घर छोड़ के चल जाएंगे। अम्मी मैं शाम को चंडीगढ़ जा रहा हूं, परसों तक लौटूंगा, और आते ही हम दोनों इंदौर शिफ्ट हो जाएंगे। और आप दोनों से गुजारिश है, जब तक मैं लौटू ना, प्लीज मेरी बीवी को कोई तकलीफ ना दे, वरना अच्छा नहीं होगा। चलो शब्द। पड़ गई ना कलेजे में ठंडक। अरे वो तो यही चाहती थी, एक माँ से उसके बेटे को अलग कर दिया। अरे हाय,
लगेगी उससे मेरी कभी खुश नहीं रहेगी। बेगम क्यों खामा खां परेशान हो रही है? ये सब दो चार दिन की नौटंकियां हैं। दाल आटे का भाव पता चलेगा ना तब अकल ठिकाने आ जाएंगे इन लोगों को, तब लौट कर घर पर आएंगे वापस। लेकिन इस बार सिर्फ जैद वापस आएगा घर पे अकेला। ये हमारे कमरे में बैग लेके क्यों जा रही है? चलो देखते हैं। अब घर से जाते वक्त चोरी भी कर रही हो? ये सारे गहने मेरे हैं, उसे रख दो। इसमें जो आपके गहने थे वो मैं अंदर रख चुकी हूँ, ये मेरे गहने हैं। मेरा मतलब है कि ये सब कुछ मेरा ही है, और जिस जैद को तू भड़का कर इस घर से लेके जा रही है ना, वो भी मेरा ही है। इसे रखो और दफा हो जाओ। इसमें हमारे गहने हैं, हमारी अम्मी ने हमारे निकाह के वक्त हमें दिए। इस घर पर जो भी चीज आती है ना, उस पे पहला हक ससुराल वालों का ही होता है। हमें जाने दीजिए। अरे मम्मी, अरे छोड़िए। नहीं, ये हमारे गहने हैं, ये हमारे गहने हैं, छोड़िए इसे। नहीं, अरे आप देख क्या रहे हैं? लीजिए ना। बहू छोड़ दे, हमारे गहने। अम्मी, अम्मी शब्बो, पता नहीं सब कहाँ चले गए। शब्बो, शब्बो कहाँ चले गए सब लोग? अम्मी आराम से, अम्मी अल्लाह का शुक्र है ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये सब हुआ क्या? अरे थोड़ी देर को मैं बाहर क्या गई, बस ये हो गया। देखो बेटा, मुझे उसे मिलना है, एक बार उससे देखेगी ना तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। मुझे उसे मिलवा दे बेटा। अम्मी इस वक्त आप बैठ जाइए, वो आईसीयू में है। आप सिर्फ दुआ कीजिए कि अल्लाह सब कुछ ठीक कर दे, सब ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, अबू डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बीवी? वो देखिए, हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी, घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन अगले 72 घंटे उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे बहू को बचा लीजिएगा। देखिए चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। पुलिस क्यों सर? नॉर्मल रूटीन है, ऐसे केसेस में हमको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अच्छा, अब हम मिल सकते हैं उनसे? नहीं, अभी अभी नहीं, आप लोग वेट कीजिए। एक्सक्यूज मी। ये शबनम की फैमिली है। जैद अली बे। जी जी, मैं आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जी जी, पूछिए। शबनम का और आपका क्या रिश्ता है? जी जी, वो मेरी बीवी है। तो आप शबनम का अस्पताल लेकर? जी जी, मैं हूँ। क्या हुआ था जब ये हादसा हुआ था, उस वक्त आप कहाँ थे? जी उस वक्त मैं घर पे नहीं था, इनफैक्ट घर पे कोई भी नहीं था, अम्मी और अब्बू भी बाहर कहीं गए थे। जी मैंने नोटिस किया था कि बगल में ही एक कांच का टेबल था जो टूटा हुआ था,
कांच हर जगह बिखरी हुई थी, तो मुझे लगा कि पंखा साफ करते वक्त पैर फिसल गया होगा और वो गिर गई होगी। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।